जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको कॉपलैंड ने किसमें इंक्लूड किया है, इन द किंगडम मोनेरा। एंड इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे। द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा आर, द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एंशिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंशिएंट न्यूक्लियस दैट मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस एंड थर्ड थिंग इज न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। सो ये तीनों जो थिंग है ये नहीं मिलेगी किसमें, इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स अगर एब्सेंट है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं। सो इन दिस सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द किंगडम मोनेरा। इन द किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड। ऑल प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया था कॉपलैंड साइंटिस्ट ने इन द किंगडम मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एंशिएंट न्यूक्लियस मिलता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट में टू टर्म्स होती हैं, दैट इज वन इज प्रो एंड कैरियोट्स। प्रो मीन्स एंशिएंट एंड कैरियोट्स इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। एंड एंशिएंट को हम ले सकते हैं कि जो सबसे पहले बनने वाला न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो सबसे पहला डेवलप होने वाला जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसे हमने नाम दिया न्यूक्लियोइड। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है दैट आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। सो इन द प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड द न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट बिकॉज इट इज अ लेस डेवलप न्यूक्लियस। या हम इसे कह सकते हैं इट इज नॉट अ एडवांस न्यूक्लियस बिकॉज एडवांस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर मस्ट बी प्रेजेंट इन द एडवांस न्यूक्लियस। बट दीज थिंग्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सो दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर नोन एज न्यूक्लियोइड। एंड इस न्यूक्लियोइड में ये सब चीजें तो नहीं मिलेंगी एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी एब्सेंट है, सो हम इसे कह सकते हैं नेकेड डीएनए। सेकेंड थिंग इज हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे एब्सेंट है तो कौन से प्रोटीन्स मिलेंगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट थिंग इज प्रोकैरियोट्स में मिलने वाला जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियोइड है इसमें जो प्रेजेंट डीएनए है वो होगा डबल स्ट्रैंडेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सर्कुलर। सो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। सो ये तो होगी इस बात न्यूक्लियोइड की या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स की। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं हम, दैट इज सेल वॉल। सो बेसिकली हमें पता है कि मोनेरा के अंदर क्या मिलती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हम आरएच विटेकर के फाइव किंगडम सिस्टम में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो मैंने बताया था आपको कि मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको पहले प्लांट्स के साथ में रखा गया था। बिकॉज जब कैरोलस लीनियस ने ऑल ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड किया था, वन इज द प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज एनिमल किंगडम, तो उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको रखा प्लांट्स में और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको रखा एनिमल्स में। सो
हाँ, ये जो मोनेरा ऑर्गेनिज्म है, सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल के प्रेजेंस होने की वजह से इनको स्टार्टिंग में प्लांट्स के साथ में रखा गया था। बट आफ्टर सम टाइम कॉपलैंड साइंटिस्ट ने देखा कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म तो कैसे थे, यूकेरियोट्स, उनमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। यूकेरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म थे उनके जैसे उसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे, ओनली वन कैरेक्टर्स प्रेजेंट, दैट इज सेल वॉल प्रेजेंस। ठीक है, सो ओनली सेल वॉल ऐसी स्ट्रक्चर थी जो प्लांट से सिमिलर थी, बाकी सारी स्ट्रक्चर्स प्लांट से डिफरेंट थी। सो कॉपलैंड ने न्यू ग्रुप एस्टेब्लिश किया और इसमें रखा सारे प्रोकैरियोट्स को। तो यहाँ पे हमने हमें पता है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल वॉल एंड प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज इन द कंपोजिशन। जो प्लांट सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, बट मोनेरा की जो सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडो ग्लाइकेन इज अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स प्लस शुगर। सो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब के सेल वॉल बनी होगी पेप्टिडो ग्लाइकेन की, बट सम एक्सेप्शंस आर हियर, द टू एक्सेप्शंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल दैट आर, वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड अनादर इज माइकोप्लाज्मा। सो दीज टू ऑर्गेनिज्म्स आर एक्सेप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन द सेल वॉल। सो इन दोनों में एक्सेप्शन क्या होगा? हमें पता है कि ऑल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई। ठीक है, बट आर्की बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता। सो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, कंपोजिशन डिफरेंट। एंड द सेकेंड एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा में क्या एक्सेप्शन है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। सो बोथ ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन जो है ऑल प्रोकैरियोट्स की, ये ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सिमिलर ही होती है। ठीक है, बट इनकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेट होते हैं। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन। And these respiratory enzymes only present in the aerobics prokaryotes. जो aerobic prokaryote हैं, उन्हीं में respiratory enzymes present होंगे for the respiration. After this, the next structures that are present in the cell. हमने देखा कि all organisms are prokaryote. Second thing is cell ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म का कैसा होगा? तो हमें जैसा कि पता है कि ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम इन्हें कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स या यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सो ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा।
नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ मोनेरा इज राइबोसोम. सॉरी, पहले हम लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर प्रेजेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. एंड सेल ऑर्गेनल्स एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर होते हैं, बट कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. सो इन द प्रोकैरियोट्स ओनली सेल मेम्ब्रेन के विदाउट जो ऑर्गेनल्स है वो ही प्रेजेंट होंगे. सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटसेट्रा. बट हमने यहां पे कहा ओनली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. सो विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं. सो ओनली वन सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड दिस सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम. एंड राइबोसोम, एज वी नो, राइबोसोम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहां तक तो हो गई सेल की स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, सेल ऑर्गेनल किस टाइप के हैं. ठीक है, आफ्टर दिस हम बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आ जाता है न्यूट्रिशन, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रहने के लिए फूड की नीड होती है, और इस फूड की नीड को कौन कंप्लीट करेगा, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि अपने फूड को जो नीड है उसको किस तरह से कंप्लीट करता है, अपना खुद फूड को खुद ही फॉर्मेशन करता है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है या ये अपना फूड खुद ही बनाता है. इफ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, सेल्फ फॉर्मेशन करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स. एंड जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा तो हम इन्हें कहेंगे हीटरोट्रॉप्स. एंड हीटरोट्रॉप्स खुद का फूड बनाने के में एबल नहीं होते. सो जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करेंगे, अपने फूड को खुद बनाएंगे, और इस फूड को बनाने के लिए इन्हें चाहिए होगी एनर्जी. सो मैनली ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ फूड यूज करते हैं. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी. ठीक है, और ये एनर्जी कहां से आएगी,
ये एनर्जी मेनली ये इंटेक करते हैं टू तरह से. द वन इज लाइट एनर्जी एंड सेकेंड इज केमिकल एनर्जी. इफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइट से अपनी एनर्जी गेन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, लाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो लाइट का मतलब हो गया फोटो एंड सिंथेटिक मीन्स फूड का सिंथेसिस करना. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ्स, सो दीज आर नॉन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स. सो फोटो ऑटोट्रॉफ्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें आ जाएंगे ऑल ग्रीन एल्गीज, एंड सम ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं केमिकल एनर्जी पे. इफ प्रोकैरियोट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द केमिकल्स, तो हम इन्हें कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. सो सम बैक्टीरियाज आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो क्या करते हैं केमिकल एनर्जी को गेन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं, देन इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ फूड यूज करते हैं. आफ्टर दिस ये सब तो हो गए ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं. आफ्टर दिस सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आर हीटरोट्रॉप्स. हीटरोट्रॉप्स आर डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, एंड ये क्या करेंगे डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटेक कर लेंगे, तो इनको किसी भी टाइप के फूड का फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होंगे. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज हीटरोट्रॉप्स. मेनली ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट बैक्टीरियाज आर हीटरोट्रॉप्स, ओनली सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स. सो मोस्टली प्रोकैरियोट्स आर हीटरोट्रॉफ टाइप्स. इसमें भी मेनली थ्री टाइप्स का ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. हीटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है इसको भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द वन आर सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ये क्या करेंगे डिट्राइटस या डेड फूड मटेरियल पे एंजाइम्स को सिक्रीट करके डायरेक्टली उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देंगे, एंड फिर उसको क्या करेंगे अब्सॉर्ब करेंगे, तो फूड का डाइजेशन आउटर टू दी बॉडी हो रहा है, इसलिए हमने इनको हीटरोट्रॉप्स में रखा. द नेक्स्ट टाइप ऑफ हीटरोट्रॉप्स आर सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, बट उसके बदले में ये उस ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का कोई लॉस नहीं होता, ओनली दोनों का प्रॉफिट होता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पैरासिटिक. पैरासिटिक और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली फूड का इंटेक करते हैं, एंड दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जिस पे ये फूड के लिए डिपेंड है उसको हार्म करते हैं. सो ये तो हो गया न्यूट्रिशन इन द प्रोकैरियोट्स.
द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन. सो ऑल प्रोकैरियोट्स में ओनली असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है. डिटेल में हम इसे आगे पढ़ेंगे. एंड रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है इनकी सेल मेम्ब्रेन में, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट associated to with the cell membrane. After this, the next characteristic is shape. Shape ke basis par hum prokaryotes ko mainly four types mein divide kar sakte hain. And these four types are coccus. प्लूरल में हम इसको बोलते हैं कोकाई. द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप इज बैसिलस. इफ ये प्लूरल में प्रेजेंट होंगे तो हम इन्हें नाम देंगे बैसिलाई. द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स आर विब्रियम एंड इन द प्लूरल दे आर नोन एज विब्रियाई. The last one are spirillum and in the plural we can use spirilli. So इनके शेप में मैन डिफरेंस होगा. तो कोकाई जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनका शेप होगा स्फेरिकल. So all spherical shaped prokaryotes are included in the cocci. The second type are bacillus. Bacillus jitne bhi prokaryotes hain mainly prokaryotes mein aate hain bacterias. To aage hum study karenge bacteria ke upar hi. Bacillus ke andar jitne bhi bacteria present honge inka shape hoga rod shaped. This type this is the rod shape structure that are present in the bacilli. The next type of structure in the vibrii. Vibrium mein jitne bhi organism jitne bhi prokaryotes present honge इनका शेप होगा कोमा शेप. दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द विब्रियम. एंड द लास्ट वन आर स्पाइरिलम. स्पाइरिलम मीन्स ऑब्वियसली समझ में आ रहा है स्पाइरल शेप. Bacterias are included in the spirillum. This type of bacterias are present in the spirillum and inke andar present honge flagella. These structures are flagella.
ऑफ बैक्टीरिया। एंड यहाँ पे बैसिलाई के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, दीज आर द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। सो ये हो गए फोर टाइप्स के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आफ्टर दिस यहां तक हमने पढ़े ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं ये हमें डिस्कस करना है। सो बेसिकली हम यहां पे प्रोकैरियोट्स के अंदर टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। वन आर आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर आर बैक्टीरियाज और यू बैक्टीरिया। दीज आर दी ट्रू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया के अंदर भी सब ग्रुप प्रेजेंट है एंड इस सब ग्रुप में इंक्लूडेड है ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज आर दी साइनो बैक्टीरिया दैट आर फोटोट्रोपिक बैक्टीरियाज। सो पहला हम यहां पर स्टडी करेंगे अबाउट दी आर्की बैक्टीरिया। सो जैसा कि हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सो दीज आर दी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस होगा। एंड दीज आर दी एंशिएंट बैक्टीरिया। बहुत ऑल टाइम से ये बैक्टीरिया मिलते हैं। सो दीज आर नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। एंड दीज बैक्टीरियाज आर फाउंड इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, वेरी एक्सट्रीम्स कंडीशंस में ये प्रेजेंट होते हैं। सो मोस्टली दे लिव इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हार्श कंडीशंस और हार्श हैबिटेट्स। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग आर्की बैक्टीरिया का डिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द मार्शी हैबिटेट्स और मार्शी रीजंस। एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर नोन एज मिथेनोजेंस। The second type of bacterias, archaea bacterias are found in the extreme saline conditions. Extreme saline or salty conditions or habitat. So, ऐसे areas जहाँ पे very extreme saline और salty conditions present है, यहाँ पे जितने भी archaea bacteria present होंगे इन्हें हमने नाम दिया हैलोफिल्स। दीज आर नोन एज हैलोफिल्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशंस। हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक conditions, very high acidity यहां पे present होगी। so acidic जो है ये conditions कैसी होंगी, very high acidic conditions। very high acidic conditions को हम ले सकते हैं कि around 2 pH तक यहां पे acidity present होगी। and temperature लें तो around 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर ऐसे हैबिटेट्स में प्रेजेंट होगा जिनमें ये टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। और इन बैक्टीरियाज को नाम दिया गया थर्मो एसिडोफिल्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई एसिडिक कंडीशंस। सो दीज आर नोन एज थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो लिया गया बिकॉज यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है एंड वेरी हाई एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट है। सो
एसिडो टर्म ली गई फॉर द वेरी हाई एसिडिक कंडीशंस. सो दीज आर नॉन एज थर्मो एसिडोफिल्स. दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया. सो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरियाज आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स और एक्सट्रीम कंडीशंस. सो फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द मार्शी रीजन्स, जहां पे मार्शी रीजन्स प्रेजेंट होंगे. और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, मार्शी रीजन्स में जितने भी CO2 प्रेजेंट होगी, ठीक है, CO2 के साथ साथ मिथेनॉल एंड इसके साथ ही फॉर्मिक एसिड जैसे केमिकल्स ऐसे रीजन्स में प्रेजेंट होंगे इन द मार्शी रीजन्स. तो इन सब केमिकल्स को ये क्या करेगा, मिथेन में चेंज कर देगा. सो दिस टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया चेंज CO2 मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इन टू दी मिथेन. सो दीज आर नोन एज मिथेनोजन्स. इसी वजह से इनको नाम दिया गया मिथेनोजन्स, बिकॉज ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मिथेन का. एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर फाउंड ओनली ऑल्सो इन द रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ एंड बफेलोज, इनके स्टोमक में बहुत सारे नंबर्स में मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं. सो इसी वजह से इन रूमिनेंट्स के डंग में भी क्या मिलेंगे, मिथेनोजन्स. और ये क्या करेंगे, CO2 को मिथेन में चेंज कर देते हैं. और दिस मिथेन इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस, बिकॉज इस गैस का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, फ्रॉम द डंग. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोगैस एंड दिस आर्की बैक्टीरियाज आर नोन एज मिथेनोजन्स. एंड ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में चेंज कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स. मिथेनोजन्स आर ऑटोट्रॉप्स. एंड ऑटोट्रॉप्स तो हैं, बट हमने ऑटोट्रॉप्स में भी टू टाइप्स के ऑटोट्रॉप्स पढ़े थे. वन आर दी फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड आर कीमो ऑटोट्रॉप्स. सो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करने के लिए एनर्जी गेन कर रहे हैं फ्रॉम दी केमिकल. सो दीज आर्की बैक्टीरियाज आर कीमो ऑटोट्रॉप्स. एंड इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं मिथेनोजन्स के. एग्जाम्पल्स ऑफ मिथेनोजन्स आर मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैसिलस. सॉरी, दिस इज अ मिथेनोबैक्टीरियम. सो यहां पे एक टर्म आ रही है मिथेनोकोकस. सो इस टर्म से पता चल जाता है कि इन आर्की बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल. आफ्टर दिस सेकेंड टाइप के आर्की बैक्टीरिया पे हम चलते हैं. दीज आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन और साल्टी कंडीशंस. सो यहां पे एक्सट्रीम साल्टी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी. एंड दिस साल्टी कंडीशंस आर फाउंड इन द लेक सी एंड ब्राइन्स. ठीक है, सो मोस्टली दीज आर्की बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द साल्टी कंडीशंस. एंड इनकी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज प्रेजेंट इन देयर मैम्ब्रेन. इनकी जो मैम्ब्रेन है, इसका स्पेशल फीचर है कि दिस मैम्ब्रेन इज पिगमेंटेड. सो पिगमेंटेड मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द हैलोफिल्स.
एंड इस पिगमेंटेड मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होगा? पिगमेंटेड मेम्ब्रेन यहां पे प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई सा पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा. सो द पिगमेंट फाउंड इन द हैलोफिल्स इज बैक्टीरियो रोडोप्सिन्स. बैक्टीरियो रोडोप्सिन. अब बैक्टीरियो रोडोप्सिन यहां पे पिगमेंट मिल रहा है. एज वी नो रोडोप्सिन पिगमेंट कहां पे मिलता है? इन द आईज ऑफ ह्यूमन. जो क्या करता है? लाइट से प्रोटेक्ट करता है आईज को. सो ये जो पिगमेंट है ये इसका काम यहां पर भी वही होगा कि ये हेलोफिल्स को लाइट से प्रोटेक्ट करेगा. दिस हॉर्मोन्स हार्नेस टू द सन एनर्जी एंड ये सन की एनर्जी को मॉडिफाइड कर देंगे. अब यहां पे आ रहा है कि ये सन एनर्जी या लाइट एनर्जी को मॉडिफाइड कर रहे हैं, बट इस एनर्जी को ये अपने फूड के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक. सो हेलोफिल्स आर हीटरोट्रॉफिक इन द नेचर. ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे. एंड इनका हम एग्जाम्पल लें. एग्जाम्पल ऑफ हेलोफिल्स आर हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम. सो हेलोफिल्स का मैन कैरेक्टर क्या हो गया कि इनके अंदर पिगमेंटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इस मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज बैक्टीरियो रोडोप्सिन. और ये क्या करता है? सन एनर्जी से उनको प्रोटेक्ट करता है, सन एनर्जी को मॉडिफाइड करके. बट दिस एनर्जी इज नॉट यूज इन द फूड प्रोडक्शन. ठीक है. सो दीज आर दी हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरियाज आर थर्मो एसिडोफिल्स. थर्मो एसिडोफिल्स में क्या प्रेजेंट होगा कि ये हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई एसिडिक कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे. और इस टाइप की कंडीशंस मिलती है मेनली इन द हॉट स्प्रिंग्स. सो हॉट स्प्रिंग्स में वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई एसिडिटी प्रेजेंट होती है. एंड यह हाई टेम्परेचर कितना तक हो सकता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक. एंड पीएच इनकी होती है 2. ठीक है. आफ्टर दिस दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर ये क्या करेंगे? सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देंगे. बट इन वन कंडीशन. हमेशा ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज नहीं करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे ओनली इन द एरोबिक कंडीशंस. सो एरोबिक कंडीशंस में सल्फर को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं इन द सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड के बनने की वजह से हॉट स्प्रिंग्स का जो नेचर है वो और भी ज्यादा कैसा हो जाएगा? एसिडिक. तो एसिडिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से बहुत ही कम पीएच हो जाएगी और इस पीएच में भी ये आर्किबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट होता है कि ये हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. आफ्टर दिस अपने फूड के लिए ये दूसरा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना हो करके ये खुद का फूड खुद ही बनाते हैं फ्रॉम दी केमिकल एनर्जी. सो दीज आर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स. सो आर्किबैक्टीरिया में हमने देखा कि टू टाइप के आर्किबैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक हैं
एंड वन टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरियाज आर हीट्रोट्रॉफिक. द एग्जाम्पल ऑफ थर्मो एसिडोफिल्स आर थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोकोकस, सॉरी थर्मोप्रोटियस. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किबैक्टीरियाज. तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया. आफ्टर आर्किबैक्टीरिया हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट आर ट्रू बैक्टीरिया एंड नॉन एज यू बैक्टीरिया. सो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द यू बैक्टीरिया. यू मीन्स वेल डेवलप्ड, बैक्टीरिया में आ जाएंगे सारे बैक्टीरिया. सो दीज आर द वेल डेवलप्ड और वेरी एडवांस्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं कि यू बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाली जो सेल वॉल है ये किससे कंपोज्ड होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन से. एंड अ रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द यू बैक्टीरिया दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. एंड द सेकेंड थिंग इज मोर्टिलिटी. ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट मोटाइल, बट जो भी बैक्टीरिया मोटाइल होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मोटाइल स्ट्रक्चर्स. एंड दीज मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज फ्लैजिला, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे. द नेक्स्ट थिंग, फ्लैजिला इज अ प्लूरल वर्ड, सिंगुलर में हम इसे फ्लैजिलम कहते हैं. इफ ओनली वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम एंड प्लूरल में हम इसे यूज करेंगे फ्लैजिला. द नेक्स्ट इज सब ग्रुप्स. सब ग्रुप में आपको पहले बता चुकी हूं कि यू बैक्टीरिया के अंदर एक सब ग्रुप मिलता है दैट इज नॉन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरियाज आर फोटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज. तो इनके अंदर न्यूट्रिशन टाइप कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक टाइप. और इनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है दैट मींस यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट्स. सो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया दैट आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं. सो दीज आर दी ऑटोट्रॉफ्स एंड इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. सो दिस फोटोसिंथेटिक टाइप इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. दिस इज अ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन आती कहां से है, वाटर से. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द फिजियोलॉजी जब हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे.
कि फोटोसिंथेसिस के बाद में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहां से आती है, वाटर से या H2O से, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज मोस्टली प्रेजेंट। सो दिस पिगमेंट इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दिस ब्लू ग्रीन एल्गी के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें यू बैक्टीरिया के, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैं तो यूनिसेलुलर भी होंगे, ठीक है। बट यूनिसेलुलर होने का मतलब ये नहीं है कि ये ओनली वन सेल में ही प्रेजेंट होंगे। ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर के ग्रुप का फॉर्मेशन करती है। हमने पहले देखा कि टिश्यू का फॉर्मेशन किससे होता है, सेम टाइप की सेल्स होता है। बट डिफरेंट टाइप की सेल जब मिलके ग्रुप बनाएंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलोनीज। सो कॉलोनियल टाइप का यहाँ पे कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। एंड कुछ बैक्टीरिया फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। एंड कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स मिलती है। दीज आर दी हीट्रोसिस्ट। तो कुछ ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे जिनमें क्या मिलेगी, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स। This is a one type of filamentous algae, Nostoc. And Nostoc के अंदर fragmentation मिलता है। These are the cells और इन cell के बीच में special type की cells present होंगी और इन special type की cells में इनकी speciality क्या होगी कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्पेशलाइजेशन करेगी। सो दीज आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर नोन एज हीट्रोसिस्ट, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि नोस्टॉक ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। सो दीज आर दी हीट्रोसिस्ट एंड इनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है जो इनको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस इज अ म्यूसिलेजिनस शीट। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द नोस्टॉक एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनाबिना। इट इज ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या कर रही है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रही है। आफ्टर दिस यहां तक हमने देखा कि यू बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल होती है रिजिड टाइप की जो बनी होती है किससे, पेप्टिडो ग्लाइकेन है। एंड पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड शुगर। हमने बैक्टीरिया के शेप देख चुके हैं कि फोर टाइप्स का शेप प्रेजेंट होता है इन द बैक्टीरिया, दैट इज कॉकस, स्पाइरिलम,
बैसिलस एंड विब्रियम. सो फोर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप. आफ्टर दिस बैक्टीरिया जो है हमने देखे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, बट कुछ अनदर बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगा एंड दैट आर नोन एज ग्रीन बैक्टीरिया. हम यह आगे पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे.